चलिए अब सीधे रुख करेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सभी पत्रकार बंधुओं को, साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी, एक प्रेस वार्ता हमने करी थी। अभी कुछ ही दिन बाद घटनाएं इतनी तीव्र गति से राजस्थान के अंदर हो रही हैं कि आपके साथ बैठने का ये अवसर निकालना पड़ा, ताकि आपके माध्यम से राजस्थान और पूरे देश तक, राजस्थान की जनता की गुहार राजस्थान सरकार तक भी पहुंचे और देशवासियों तक भी पहुंचे। दिवाली मिलन के बाद, भाई दूज के बाद अखबार के अंदर लगातार जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बाजार के अंदर बेटियों को, बहनों को बेचा जा रहा है, ये इतनी भयावह स्थिति राजस्थान की हो गई है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। अब इस तरह की बातें हमने सिर्फ आइसिस और तालिबान के अंदर सुनी थी, लेकिन अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। ये राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए, खास तौर से ऐसा राष्ट्र जो दिवाली मनाता हो, दशहरा मनाता हो, भाई दूज मनाता हो, रक्षाबंधन मनाता हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जब लोगों से बात करते हैं तो भाइयों और बहनों बोलते हैं, वहां पर बहनों को, बेटियों को गुलाम बनाया जा रहा है। और ये एक बार नहीं, ये लगातार पिछले 3 साल से इसकी खबरें अखबार के अंदर आ रही हैं, सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है। मतलब किस तरह की बातें राजस्थान के अंदर हो रही हैं, भीलवाड़ा के अंदर लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं, दूसरे राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है। और इसकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है, सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से, लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी FIR नहीं लिखी गई है। सुनते हैं जब यह भी कि बंदी बनी हुई है, पुलिस दबाव में आ जाती है, किसके दबाव में आ जाती है, किसका किसका शय मिला हुआ है इस घिनौनी हरकत के लिए, किसका शय मिला हुआ है। जहाजपुर, मंडलगढ़, वहां पर तो भीलवाड़ा की ये क्षेत्र है, वहां तो सुनते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये का सब हरकतें होती हैं, फेक आधार कार्ड बना दिए गए। अगर पुलिस कहीं, कोई ईमानदार पुलिस वाला जब कोई एक्शन भी लेता है, किसी को पकड़ भी लेता है, तो फेक आधार कार्ड लेकर तुरंत आ जाते हैं अपने आप को मां बाप दिखाने के लिए। समाज के डर से वहां पर लोग चुप बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन क्यों चुप है? ये राजनीतिक नेता जो जिस सरकार चला रहे हैं, ये क्यों चुप है वहां पर, ये क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते? गोदनामा हो जाता है, एक स्टैंप पेपर हो जाता है कि गोद दे दिया। ये किस तरह का गोदनामा हो रहा है? ये गैरकानूनी है पूरी तरह। इसके ऊपर पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लग रहा? 8 साल से 18 साल की बेटियों को वहां पर बेचा जा रहा है। किसी ने अगर उधार ले लिया गलती से, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है जब वो पैसा वापस नहीं दे पाता। मतलब गरीबी की ये हद हम राजस्थान में देखने को मिल रही है, और उसके ऊपर एक गैर कानूनी संस्था वहां पर आती है और जुर्माना लगाती है। जुर्माना अगर पे नहीं कर पाया, वो पैसे दे नहीं पाया, तो एजेंट आ जाते हैं, और एजेंट आकर ये पूरा का पूरा गोदनामा वहां पर स्टैंप पेपर पर करवाते हैं और लड़कियों को बेच दिया जाता है। आपको ताज्जुब।